जय माता दी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पंडित ज्ञान में। दिसंबर में जन्मे व्यक्ति जरूर देखें, आइए जानते हैं इसके बारे में। आप कितने कामयाब होंगे ये बहुत हद तक आपके जन्म के महीने पर निर्भर करता है। यदि आपका जन्म किसी साल के दिसंबर के माह में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप अव्वल दर्जे के आलसी हैं। आप में खुद को लेकर एक अजीब किस्म का अभिमान होता है। दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति रहने के कारण आप हमेशा घर के लोगों से ही उलझ जाते हैं। घर और बाहर सभी से आपकी अतिरिक्त अपेक्षाएं होती हैं, जबकि आमतौर पर आप किसी की भी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं। परिवार से बेपनाह प्यार करने के बावजूद परिवार से ही शिकायतें होती हैं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको समझ नहीं सकती, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के साथ तालमेल बैठाकर चलना आपको नहीं आता। कड़वा तो लग रहा होगा, लेकिन सच ये है कि आप हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरे आपको खुद ब खुद समझ जाए और बिना किसी शर्त के ढेर सारा प्यार भी लुटाए। ऐसा नहीं है कि आप में सिर्फ बुराइयों की ही खान हो। आप में से जो दिसंबर माह के सेकंड हाफ में यानी कि 15 से 31 के बीच, वे कमाल के कलाकार और दार्शनिक हैं, लेकिन जो 1 से 14 के बीच जन्मे हैं वो आलसी और अकड़ू होते हैं। उन्हें जीवन में अगर कोई एक उपलब्धि मिल जाए तो सारी उम्र उसी से चिपके रहते हैं, आगे बढ़ने की नहीं सोचते। इन्हें कल्पना लोक में ही विचरण करना पसंद है, यथार्थ सच से ये कोशों दूर रहते हैं। दिसंबर से जन्मे लोग हर दर्जे के संवेदनशील होते हैं, इतने कि सामने वाला खींच जाए, लेकिन ये दूसरों को परेशान करना नहीं छोड़ते। घर घुस तो इनका दूसरा नाम हो सकता है। उन्नति के कई अवसर ये इसी वजह से गवा देते हैं, क्योंकि इनसे अपना परिवार छोड़ा नहीं जाता। दिसंबर के दूसरे हिस्से में जन्मे लोगों में अगर थोड़ी स्थिरता आ जाए तो दुनिया इनकी योग्यता का लोहा मानने लगती है। अस्थिर और चंचल प्रवृत्ति के चलते ये लोग सफलता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि चारों तरफ से लोग केवल इनकी तारीफें ही करें। दिसंबर में जन्मे लोग कई लोग दोनों हाथों से दोस्ती पर धन भी उड़ाते हैं और उतना कमाते भी हैं। इनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, बस रिश्ते नहीं होते। यही वजह है कि दिल से बहुत अच्छे होने के बावजूद अपने गलत आदतों के रहते अकेले पड़ जाते हैं। पैसा भरपूर बर्बाद करने के बावजूद भी इनकी सेविंग का जवाब नहीं। अपने परिवार के प्रति इनकी समर्पण भावना देखने लायक होती है। परिवार के लिए खुद को भी तबाह करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए मैं दिसंबर में जन्मे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बने। डरपोक रहेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का हाथ थामिए और फिर देखिए कि आपकी पर्सनालिटी में कैसे चार चांद लग जाएंगे। अपनी कला को निखारें, नौकरी की बजाय बिजनेस करें तो ज्यादा सफलता हासिल होगी। वैसे भी नौकरी करना आपके बस की नहीं है, क्योंकि आपको दूसरों से काम कराने की आदत है, ना कि काम करना। इसलिए ऐसा स्वभाव बिजनेस में ही अच्छा चलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपके लिए सलाह है कि अपेक्षा ही दुखों का कारण है, इसीलिए आप दूसरों से अपेक्षा ना करें और खुद से बड़ी बड़ी अपेक्षा रखें और कल्पना लोक से बाहर आकर उन्हें पूरा करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।